ट्यूबरोज ग्लोबल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट के बारे में, याम एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। याम एक वेजिटेबल है, इसका जो इंग्लिश नेम है एलिफेंट फूट, और इसको याम भी कहते हैं, और हिंदी में इसको सुरन कहते हैं। तो याम एक्सपोर्ट का जो डिमांड है इंडिया में बढ़ चुका है और ग्लोबल डिमांड है। बहुत सारे कंट्री वर्ल्ड में इसको इम्पोर्ट कर रहे हैं, और इसका ज़्यादा कंजम्पशन है। ज़्यादा कंज्यूम करने वाले कंट्री में अमेरिका नंबर वन है, यूरोपियन यूनियन कंट्री है, और अफ्रीकन कंट्री है। तो आज का टॉपिक में मैं आपको याम एक्सपोर्ट के बारे में बताऊंगा, कौन से कंट्री याम को इम्पोर्ट करते हैं, कितने सारे कंट्री एक्सपोर्ट करते हैं, और कौन से कंट्री में आने वाले दिनों में इसका डिमांड बढ़ेगा, उसके ऊपर हम डिटेल्स में आपको बताएंगे याम एक्सपोर्ट के बारे में, एलिफेंट फूड एक्सपोर्ट के बारे में। इससे पहले मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा हमारे वीडियो का। तो हमारा वीडियो का मैं पहले बता चुका हूँ, ये पहले हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज आपके लिए ला रहे हैं इस चैनल में, और आपको आने वाले दिनों में फ्यूचर में मतलब आने वाले दिनों में जितने सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट वीडियो, बिजनेस इन्वेस्टमेंट का वीडियोस मॉर्निंग में आएगा, मतलब जो अर्ली मॉर्निंग में 6 o'clock से स्टार्ट होता है, या अर्ली मॉर्निंग 12 o'clock से स्टार्ट होता है, और मॉर्निंग में मॉर्निंग टू आफ्टरनून तक जितने सारे हमारे वीडियोज आएगा, ये ज़्यादा करके रहेगा आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर आएगा और बिजनेस के ऊपर आएगा। तो आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट के मतलब इंडिया में अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना चाहते हो, या फॉरेन कंट्री में अलग अलग देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, फॉरेन कंट्री में कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, या इंडिया में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जितने सारे वीडियोज आप देखना चाहते हो, तो आपको सुबह से लेकर 12 1 बजे तक जितने सारे वीडियोज आएगा, ये वीडियोज आएगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट के ऊपर वीडियोज आएगा, और शाम को इवनिंग में जितने सारे वीडियोज आएगा वो ज़्यादा करके आएगा ट्रैवल एंड टूरिज्म के ऊपर आएगा, एंड आपका जो फॉरेन में कैसे नौकरी मिलेगा, फॉरेन कंट्री में पढ़ाई कैसे करोगे, उसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज आएगा। क्योंकि हमारे जो दो तीन चैनल के साथ हम काम कर रहे थे, उनके साथ ट्यूबरोज कॉरपोरेशन का मर्ज हुआ है, तो जितने सारे जो पुराने वीडियोस थे, नए वीडियोस, वो शाम को आता है इस चैनल में, इवनिंग में आते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, या आप स्टडी अब्रॉड फॉरेन कंट्री में पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हो, तो आप इवनिंग में वीडियो देख सकते हो, और अगर आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो, तो आप मॉर्निंग में ये वीडियो देख सकते हो। आने वाले दिनों में और एक वीडियो लाएंगे एलएनजी गैस के ऊपर वीडियो आएगा, एलएनजी गैस का डिमांड इंडिया में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। इंडिया कौन से कंट्री से एलएनजी गैस इंपोर्ट कर रहा है, एलएनजी गैस क्या है, एलपीजी गैस क्या है, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊँगा। आप एलएनजी के ऊपर काफ़ी सारे वीडियो देख सकते हैं एलएनजी गैस के ऊपर, तो आप नेक्स्ट वीडियो में एलएनजी गैस एलपीजी गैस के ऊपर मैं वीडियोज लाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अभी याम एक्सपोर्ट का ऊपर बात करेंगे। याम का कंजम्पशन ज़्यादा करके अफ्रीकन कंट्री में है, क्योंकि जैसा एशियन कंट्री में हम लोग राइस खाते हैं, रोटी खाते हैं, अफ्रीका में जो बहुत सारे कंट्री जो गरीबी में है, इसलिए अफ्रीका में ज़्यादा करके जो याम है एलिफेंट फूड और सुरन को वो लोग बॉयल करते हैं, बॉयल करके उसको जैसा पोटैटो का जो चोखा होता है, आलू का चटनी होता है, ऐसे उसको बॉयल करके बनाते हैं, बनाने के बाद उसको और चिकन मीट के साथ खाया जाता है अफ्रीकन कंट्री में। तो ज़्यादा करके जो याम और सुरन का कंजम्पशन ज़्यादा करके अफ्रीकन कंट्री में है, उसके बाद अमेरिका में है और यूरोपियन कंट्री में है। तो अभी पिछले कुछ सालों से नाइजीरिया जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, याम प्रोडक्शन करता है, और ग्लोबल में वर्ल्ड में 12% एक्सपोर्ट करता है नाइजीरिया, ठीक है, 12% एक्सपोर्ट करता है। और लेकिन पिछले कुछ महीने में नाइजीरिया एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं कर पा रहा, क्योंकि नाइजीरिया का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, नाइजीरिया के अंदर ही उनका खुद का पॉपुलेशन का कंजम्पशन के लिए वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, और जो भी वो प्रोडक्शन होता है इन नाइजीरिया, तो नाइजीरिया खुद के देश के अंदर उसको सेल किया जाता है। इसीलिए 2-3 महीने से घाना में ये जो याम का
प्रोडक्शन कम हुआ है और याम घाना नाइजीरिया से इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ज़्यादा करके पहले क्या होता था, नाइजीरिया वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करता था और ज़्यादा करके अफ्रीकन कंट्री को एक्सपोर्ट करता था ये सुरन को, याम को। लेकिन नाइजीरिया का खुद का डोमेस्टिक जो कंजप्शन के वजह से नाइजीरिया कोई एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए घाना में ये देखा गया है इंपोर्ट कर रहा है, घाना इंपोर्ट कर रहा है, स्पेन से कर रहा है, स्पेन से कर रहा है, पुर्तगाल से कर रहा है याम। तो अगर आप याम एक्सपोर्ट करना चाहते तो आप घाना के साथ साथ अफ्रीकन कंट्री में, हर एक कंट्री में डिमांड है, याम का डिमांड है। तो आइए मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ कौन से कंट्री में ये डिमांड है, आपको दिखा रहा हूँ। तो याम प्रोडक्शन में कौन से स्टेट में आपको याम मिलेगा, बिहार, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये जो देश आपको दिखा रहा हूँ, सॉरी ये जो स्टेट आपको दिखा रहा हूँ, भारत का स्टेट है, भारत का राज्य है, इन्हीं राज्यों से आपको अरेंज करना है, याम अरेंज करना है। कहाँ एक्सपोर्ट करना है, तो इंपोर्टिंग कंट्री कौन सा है, अमेरिका, अमेरिका सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। तो अमेरिका, कनाडा, यूके, जापान, सिंगापुर, नेदरलैंड्स, इटली, घाना, ये जो देश है ज़्यादा से ज़्यादा याम इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और टॉप एक्सपोर्टर में कौन से कंट्री है, चाइना, अमेरिका, जापान, ब्राज़ील, इंडिया, इटली, फिलीपींस। आपको लिस्ट करके बता दिया कौन से कंट्री इंपोर्ट करता है, कौन से कंट्री ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, और सबसे टॉप प्रोडक्शन कंट्री कौन है। नाइजीरिया सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला कंट्री था, और चाइना भी अभी चाइना नंबर वन प्रोडक्शन कंट्री है, इंडिया का 7-8 नंबर में आता है। इसीलिए जो जो स्टेट से आपको मैं बता दिया, जो जो स्टेट भारत का जो जो राज्य में ये ग्रो होता है, उसी राज्य से आपको सोर्स करना है, सोर्स करके आपको एक्सपोर्ट करना है। लाइसेंस में आपको आरसीएमसी चाहिए, अपेडा का अपेडा से आरसीएमसी चाहिए, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एमएसएमई लाइसेंस लेना है, जीएसटी अप्लाई करना है, आईसी कोड अप्लाई करना है, देन आपको वेबसाइट बनाना है, बैंक अकाउंट खोलना है, करंट अकाउंट खोलना है, आरसीएमसी अपेडा से लेना है, इतना लाइसेंस आपको जरूरत पड़ेगा। उसके बाद जो जो कंट्री आपको बता दिया, इन्हीं कंट्री में आपको मार्केटिंग करना है, आपका जो प्रोडक्ट है सुरन और याम को पैकिंग करके ठीक से उसको ब्रांडिंग करके उसको इन्हीं कंट्री को एक्सपोर्ट करना है। जो जो कंट्री आपको बता दिया, अमेरिका, यूके, फ्रांस, इतने सारे कंट्री बता दिया, उन कंट्री के ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ, तो इन कंट्री को एक्सपोर्ट करने के लिए आप मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में हमारा काफ़ी सारे वीडियो का लिंक्स है, तो वहाँ पर जाकर आप पुराना वीडियो देख लीजिए कैसे एक्सपोर्ट होता है अलग अलग देश को। तो आप सुरन और याम एक्सपोर्ट करने के लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं, और इंडिया का जितने सारे टॉप B2B ट्रेड पोर्टल से येलो पेजेस है, वहाँ पर जाकर आप सुरन और याम को सोर्स कर सकते हो। जो साइट आपको दिखा रहा हूँ, इसी साइट में जाकर आपको indiamart.com, tradeindia.com ऐसे साइट में जाकर आप भारत से, भारत के अलग अलग राज्य में आप सुरन को, याम को, एलिफेंट फूड को सोर्स करके आप अलग अलग देश को एक्सपोर्ट कर सकते हो। और एक्सपोर्ट मार्केटिंग कैसे होता है उसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियो पहले बना चुका हूँ, आप मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए। तो याम एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो लाइसेंस बता दिया लाइसेंस अरेंज कर लीजिए, और जो जो स्टेट्स बता दिया उस स्टेट से आप याम को सोर्स करिए, ब्रांड करिए, पैकिंग करिए। करने के बाद जो जो देश का नाम बता दिया जो इंपोर्ट कर रहे हैं, उन देश में आप ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग करोगे तो आपको याम का ऑर्डर मिलेगा, फिर आप इंडिया से याम एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम LNG LPG गैस के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ लाएंगे, आप हमारे वीडियोज़ देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।